साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी उपन्यास गद्य विधा से संबंधित हैं। इससे पूर्व हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, आज ये हमारा 3रे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा और प्रश्न संख्या रहेगी 201 से 300। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपके लिए चैनल पे उपन्यास वाले नोट्स अपलोड कर दिए हैं, पहले कर चुकी हूँ, आजकल मैं नहीं किए, काफ़ी पहले कर दिए। नोट्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, पहले आप वो नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट के रूप में 100 प्रश्न आप लगाएंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे हों उनके लिए बता रही हूँ, जिन्होंने सॉल्व कर लिए हैं वो सीधे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, अन्य बातें वीडियो के मध्य में करेंगे। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है विट्ठलनाथ। बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है, एक है श्रृंगार रस मंडन और दूसरा जो पूछा जाता है वो कौन सा है, जो इन्होंने कवियों के जीवन व्रत से संबंधित लिखा है ना, 200 वैष्णव की वार्ता, 52 वैष्णवों की वार्ता, तो वो काफ़ी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उपन्यास की सीरीज इसकी है लेकिन कुछ प्रश्न इसमें बाहर के भी हैं, इस प्रैक्टिस सेट में, यानी उपन्यासों से इतर भी हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हम सभी जानते हैं मार्क्विस वेलेजली के माध्यम से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, और इसके प्रथम हिंदी के प्राध्यापक गिलक्रिस्ट थे। गिलक्रिस्ट नाम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके प्राध्यापक तो गिलक्रिस्ट थे, भले ही हिंदी के प्रथम इसके प्राध्यापक गिलक्रिस्ट थे लेकिन इसकी स्थापना वेलेजली के द्वारा की गई थी। तीसरे नंबर का प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है चंद्रावती, क्योंकि इसमें राजकुमार नचिकेता और राजकुमारी चंद्रावती की कथा है, तो इसको अन्य नाम चंद्रावती भी है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ध्यान देंगे, पहला समाचार पत्र जब भी पूछा जाता है तो हम उदंत मार्तंड का नाम लेते हैं, लेकिन उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, अर्थात सप्ताह में एक दिन आता था, जबकि दैनिक समाचार दैनिक शब्द लगा दे और उदंत मार्तंड अगर ऑप्शन में है तो भी रटा रटाया नहीं करना है, सही उत्तर होगा समाचार सुधावर्षण। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड साप्ताहिक है, ठीक है। अगर दैनिक शब्द ना हो और पूछे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो फिर आप उदंत मार्तंड को लगाएंगे। हिंदी भाषा पुस्तक के रचयिता कौन है, ये प्रश्न मैंने हटा दिया है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र द्वारा रचित है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित ये तीनों लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के, बाकी लल्लू लाल जी, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां सभी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहे, और फोर्ट विलियम कॉलेज से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के आरंभिक पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि क्या है? तो 30 मई 1826, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 30 मई 1826, पंडित जुगल किशोर द्वारा यह संपादित था और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली का पद्य आंदोलन न खड़ा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी खड़ी बोली का पद्य आंदोलन खड़ा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पद्य आंदोलन यानी खड़ी बोली को पद्य में लाने के लिए जिन्होंने सर्वाधिक प्रयास किया था वे थे अयोध्या प्रसाद खत्री जी। इनके बारे में शुक्ल की पुस्तक में हमने काफ़ी अच्छे से व्याख्या की है, तो यहाँ व्याख्या नहीं करूँगी। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है? जैसा कि मैंने कहा कि जब आप नेट की असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्ल को पुस्तक को पढ़ने की भूल ना करें, अवश्य पढ़ें। शुक्ल के विचार पूछे जाते हैं, तो शुक्ल के अनुसार प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। इनका ग्रंथ आपको याद है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, राम प्रसाद निरंजनी का प्रसिद्ध ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल जी हैं। गोरा बादल आपको याद है, पद्मावती मूवी सबने देखी होगी, उनके भतीजे थे, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था, अपने राष्ट्र के सम्मान को बचाते हुए वीरगति को वो प्राप्त हो गए थे, और जिस साहस के साथ उन्होंने
युद्ध किया, तो गोरा बादल है, जयमल पत्ता है, उल सॉरी उदा आल्हा उदल हैं, इन लोगों के नाम सामान्य सैनिक या सेनापति होते हुए भी अपनी अतुलनीय वीरता के कारण संसार के इतिहास में ये प्रसिद्ध हो गए। भारतवर्ष के इतिहास में नहीं बल्कि संसार में जब वीरों की बात करती की जाती है तो इन लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। सुख सागर के रचयिता हैं सदा सुखलाल। भारतेंदु हरिश्चंद की प्रथम नाट्य कृति है विद्या सुंदर। इसमें प्रवास ऑप्शन दिया हुआ है सही, लेकिन इसका सही उत्तर विद्या सुंदर है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, काफी पूछा जाता है। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं गोपाल राय। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी का पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। अब देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, ये सब विवादित प्रश्न है, लेकिन प्रकाशन वर्ष के आधार पर तो यही है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है 1877। 15वें नंबर के प्रश्न की यदि मैं चर्चा करूं तो परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, चंद्रकांता, इन सभी को पहला उपन्यास किसे माना जाए, विवाद है, लेकिन भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष देखिए 1877 पूछा जा सकता है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, या TGT के लेवल का है, उसका प्रकाशन वर्ष पूछ ले या उसकी कथा वस्तु पूछ ले, तो फिर प्रश्न हो जाता है आपका PGT नेट और असिस्टेंट लेवल का। आगे बढ़ते हैं, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का उपन्यास किसे माना? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास, पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। लाला आगे देखते हैं, प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अवश्य ध्यान दें इस पे। रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है उससे एक प्रश्न नेट में अवश्य ही पूछा जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि एक प्रश्न की तैयारी के लिए आप पूरी पुस्तक को रट मारिए, लेकिन हाँ अच्छी पुस्तक है, है ना उसको, लेकिन उसका मजा तभी है तब आपने शुक्ल पहले पढ़ी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्ल के ही कथनों का खंडन मंडन या समर्थन करते हुए कुछ नए जो अपने विचार हैं चतुर्वेदी साहब ने प्रकट किए हैं, तो पहले शुक्ल को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आपको आएगी। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप लोग बेहतरीन पुस्तकों के बारे में पूछते रहते हैं, तो हिंदी साहित्य इतिहास का अच्छी पुस्तक कह सकते हैं आप इसे आधुनिक काल की। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ, गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया, और कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। बुक है ये मेरे पास, मैंने पढ़ी है इसलिए मैंने आपको बताया। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है तो सीधा साधा रास्ता ये इनका नहीं है, क्योंकि इनका है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और तीन वर्ष। विदा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। शहर में घूमता आईना उपन्यास के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क, काफी प्रमुख है, पूछा जाता रहा है बार बार। आगे बढ़ते, सन 42 की क्रांति पर आधारित उपन्यास कौन सा है? नई इमारत। सन 42 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है नई इमारत। वर्तमान में जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होती हैं या PGT लेवल की, तो उसमें कथा वस्तु पूछी जाती है, तो जो सबकी कथा वस्तु तो नहीं कर सकते, लेकिन जो नोट्स मैंने उपन्यास वाले अपलोड किए थे उसमें भी जो मुख्य मुख्य उपन्यास हैं जिनकी कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे गए वो मैंने वहाँ पर लिख दिए, तो वो ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। जितने चैनल पर मैंने नोट्स डाल पाई हूँ ना अभी तक, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन नोट्स के बाहर उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचयिता हैं जैनेन्द्र जी हैं। आलोक पर्व की रचना विधा कौन सी है? तो आलोक पर्व हम सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। नागार्जुन का पहला उपन्यास कौन सा है? तो नागार्जुन बाबा का पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का है, भारत पाक विभाजन पर आधारित है, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया है तो 1973। हरिजनों के उत्पीड़न की कथा पर आधारित उपन्यास है धरती धन्ना, अपना जगदीश चंद्र जी का यह उपन्यास है, और आप देखिए सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है और नेट का जो सिलेबस है, तो उसमें जितनी भी रचनाएं लगी हुई है ना, उन रचनाओं की कथा वस्तु जरूर पूछ याद रखिएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथा वस्तु है राजनीतिक उपन्यास, और यह भी सिलेबस में है। धरती धन्ना अपना भी सिलेबस में है, तमस भी सिलेबस में है, इसलिए मैंने आपको बताया।
क्योंकि जो फेमस रचनाएं जिनसे कहीं ना कहीं जो युग अपने युग की श्रेष्ठ यानी एक अलग तरीके की जो रचना होती है जो पिछली रचनाओं से हटकर लिखी गई होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद की स्थिति पर केंद्रित उपन्यास है वेदिन। तो वेदिन किसका उपन्यास है? जहां तक मुझे याद है निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है वेदिन, ठीक है। और ये द्वितीय महायुद्ध के बाद की स्थिति पर केंद्रित है। स्मृति लेखा पुस्तक के रचयिता हैं अज्ञेय। डूब उपन्यास का संबंध है वीरेंद्र जैन से। वर्तमान आधुनिक लेखकों की मैं बात करूं तो वीरेंद्र जैन की रचनाओं को काफी पूछा जा रहा है, एक बार देख लीजिएगा। बाकी डूब उपन्यास के लेखक हैं वीरेंद्र जैन। जो वीर होते हैं वो हमेशा डूबते नहीं है, वो क्या करते हैं, जैन जीत जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 234वें नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। थोड़ा सा कैमरे को सेट करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ये कैमरे में शायद आ नहीं पा रहा। गांधी इरविन समझौते से संबंधित उपन्यास है, तो ये है आपका कर्मभूमि। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेमचंद के उपन्यास है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि। तो जो कर्मभूमि है उसमें की कथा वस्तु में कहीं ना कहीं गांधी इरविन समझौता आता है। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता हम सभी जानते हैं वृंदावन लाल वर्मा, सर्वाधिक पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी के लेवल पे, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है अग्निगर्भा, बिखरे तिनके, नाच्यो बहुत गोपाल, तीनों हैं। जो नहीं है वह है एक इंच मुस्कान, हम सभी जानते हैं एक इंच मुस्कान मनु भंडारी जी प्लस राजेंद्र यादव दोनों पति पत्नियों का ने मिलकर ये उपन्यास लिखा था। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कोरे कागज। कशगुलाब मृदुला गर्ग का है कोरे कागज, मनोहर श्याम जोशी का है। इसके अलावा इनका एक प्रेम उपन्यास भी है कसब, प्रेम से संबंधित, वो कभी पढ़ेंगे हम, पर फिलहाल इसका उत्तर है कोरे कागज। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कोरे कागज। मृदुला गर्ग जी का उपन्यास नहीं है कठगुलाब, जुलूस, चितकोबरा और बेशज। तो बेशज इसमें दिया हुआ है, वैसे ये जुलूस मुझे जहां तक याद है ये हरिश्वरनाथ रेणु की भी एक रचना है जुलूस करके, है ना, तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। और मैं कह तो देती हूँ कि चेक करेंगे लेकिन फिर कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, तो आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, इसके अंतर तो बेशज है। और कठगुलाब और चितकोबरा दोनों हैं ये मुझे अच्छे से पता है, पर जुलूस में कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं फणीश्वरनाथ रेणु की भी रचना है जुलूस। आपका बंटी के रचयिता है मनु भंडारी, मानस का हंस, अमृतलाल नागर, जुगलबंदी किसका है? तो जुगलबंदी इसमें भीष्म साहनी का दिया हुआ है, लेकिन जुगलबंदी कभी भी भीष्म साहनी का मैंने पढ़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने सोचा था ये था कि मैं इसको आपको चेक करके, इस पर निशान भी मैंने लगा रखा है चेक, पहले जब कभी मैंने इसको पढ़ा होगा तब भी मैंने निशान लगाया होगा, नहीं चेक कर पाई। कारण ये रहा कि आज थोड़ी सी बहुत दिनों बाद अच्छी सी बारिश हो रही है और लाइट का भरोसा है नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, एक्चुअली बारिश में नहा रहे हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो एक अपलोड कर दूं। तो दोनों ही प्रश्न वैसे मैं चेक कर लूंगी, मैं नहीं कर पाऊं तो आप लोगों में से जिसको पता हो वो लिख दीजिएगा। जुगलबंदी किसका उपन्यास है? अनामदास का पोथा हम सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है, एक पति के नोट्स महेंद्र कल्ला। हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है? सरस्वती पत्रिका का योगदान स्वीकार करेगा किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। राखी बंध भाई कहानी किस रचना की है? तो यह है वृंदावन लाल शर्मा की। एक मिनट रुकिएगा, गेट पे कोई आ गया है भाई। ऐसा ही होता है ना, और मेरा ये इच्छा है कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, बाकी तो दुनियादारी चलती रहेगी लेकिन कोई भी काम करो तो बीच में दिक्कतें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। राखी बंध भाई कहानी वृंदावन लाल वर्मा, बूढ़ी काकी, स्वर्ग के खंडर में, हिमालय के पथिक, समुद्र और समुद्र संतरण प्रसिद्ध कहानियां किसकी है? तो बाकी का तो मैंने नहीं पढ़ी लेकिन बूढ़ी काकी को देखते ही प्रेमचंद की याद हमें आनी निश्चित है। किस कहानी के रचयिता यशपाल नहीं है? वो दुनिया, उत्तमी की माँ, ज्ञानदान, तीनों कहानियों के रचयिता यशपाल है, एक रात के नहीं है। प्रेमचंद की कहानी कफन का प्रकाशन वर्ष है 1936, यह भी सिलेबस में लगा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के में। आंधी किस लेखक की कहानी है? तो यह जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इस पे आप निशान लगाएंगे, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा जी ने। 14 मिनट हो चुके हैं,
आगे वीडियो को बढ़ाते 50 प्रश्न ये देखते हैं, 50 प्रश्न और मैं आपको करवा देती हूँ जिन्होंने पहले चैनल पे किया शायद उनको उनके करे हुए होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये 100 प्रश्नों की जो सीरीज़ है इसको मैं अलग तरीके से, वो वाले जो प्रैक्टिस सेट है पहले वाले वो मैं डिलीट कर दूंगी, इनको 100 प्रश्नों की सीरीज के रूप में आपके समक्ष लाऊंगी। तो गद्य विधाओं में उपन्यास गद्य विधा से संबंधित है। 51वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा था? भाग्यवती। जैसा कि मैंने कहा कि जब बात करी जाए प्रकाशन वर्ष की तो भाग्यवती पहला उपन्यास है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, लेकिन शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। कई बार सही उत्तर आते हुए भी प्रश्न को ध्यानपूर्वक न पढ़ने के कारण भी गलत हो जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। छोटे छोटे आपके जहाँ कन्फ्यूज आप हो सकते हो उसको अपनी तरफ से मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर भी देखिएगा। हाँ, कन्फ्यूजन की दृष्टि से याद आया, अंकित जी का कमेंट आया था कि मैम हिंदी की जननी तो संस्कृत है। जी, संस्कृत तो संस्कृत देखी जाए तो भारतीय सभी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है, लेकिन जब अपभ्रंश ऑप्शन में होगा तो जब क्रम देखते हैं तो संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी है। तो हिंदी सीधी बेटी किसकी हुई? हिंदी भाई ग्रैंड मदर हो गई संस्कृत तो, लेकिन हिंदी सीधी बेटी किसकी हो गई? अपभ्रंश की हो गई। तो सही उत्तर अपभ्रंश होगा। इसके अलावा एक और कमेंट आता है मोहम्मद जासिम साहब का, देखिए भाई आप ईश्वर तुल्य हैं या देखिए आपको जो भी कमेंट करना है करिए, लेकिन ईश्वर का स्थान दुनिया में सर्वोपरि होता है ना, सबसे पूरी सृष्टि के निर्माता हैं भाई, मैं ईश्वर तुल्य नहीं हो सकती। हाँ, मेरे कुछ वीडियोज से आपको हेल्प पहुंचती है, आपकी कुछ सहायता होती है, आप अपनी परीक्षा को पास करने में समर्थ हो पाते हैं, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी जो ऐसे भी होते हैं चैनल पे जो अभी परीक्षा तक जुड़े रहेंगे और परीक्षा होने के बाद कभी चैनल पे लौट के कमेंट नहीं करेंगे कि, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन प्लीज़ ईश्वर से तुलना मत कीजिए, है ना। एक अच्छा इंसान बन पाएं जीवन में यह भी बहुत बड़ा है। तो आप लोग जो सम्मान देते हो, जो प्यार देते हो, सबके लिए आपको मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन ईश्वर के तुल्य कभी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भाई आप सभी के लिए जो मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरी सहायता करना चाहते हैं, यदि आपको वास्तव में वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सबसे बड़ी जो आप फीस मुझे दे सकते हो ना, बस वो यही है कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और पर डे वीडियोस के बाद भी इतने कम व्यूज़ होते हैं ना कि कभी कभी, देखिए मैं भी इंसान हूँ, हालांकि मैं बनाती हूँ वीडियोस, लेकिन कभी कभी मेरे मन में भी आता है कि इतना ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते चैनल पे, नहीं आते ना। आप लोग भी ये देखते हो कि उसमें कितने व्यूज़ होते हैं। टेक्निकली आप लोग ज़्यादा समझते होंगे यूट्यूब के बारे में मुझसे ज़्यादा, तो प्लीज़ आप इन लोगों को अधिक से अधिक प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी कम व्यूज़ हैं। फिर ऐसे में होता क्या है कि सब लोग फिर एक मजाक सा भी बनाने लगते हैं ना आसपास के लोग भी, के मतलब इतने टाइम से यूट्यूब पे है, व्यूज़ तो हैं ही नहीं और ईमानदारी से करने से कुछ नहीं होता, ऐसे करो वैसे करो, वो सब चीज़ें मेरे बस की बात है नहीं। तो आप लोग यदि सहायता करना चाहते हैं सब मिलकर, तो इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें ना, कभी कभी कहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? तो चंद्रकांता एक तिलिस्मी उपन्यास है। भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? श्रद्धाराम फिल्लौरी की। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक है ठाकुर जगनमोहन, बार बार पूछा जाता है। परीक्षा गुरु के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। निस्सहाय हिंदू के उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास। भारतेंदु मंडल के लेखकों से के उपन्यासों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लास किस तरीके का है? तो यह एक जासूसी उपन्यास है। चंद्रकांता तिलस्मी है, अद्भुत लास यह जासूसी है। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? अधखिला फूल सामाजिक उपन्यास है। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोद और बार बार पूछा जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जितने भी उपन्यास है रट लीजिएगा, जरूर पूछे जाते हैं। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा था? तो कुसुम कुमारी लिखा था देवकी नंदन खत्री जी ने। कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया? तो चंद हसीनों के खतूत किसका है? ये पांडे बेचैन शर्मा। उग्रकार हिंदी साहित्य में
प्रथम उपन्यास है जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। पूछा जाएगा, शुरू में किस उपन्यास को पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? बहुत ही गर्व के साथ कहना, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री जी का वो उपन्यास है जिसके लिए अन्य भाषाई लोगों ने भी हिंदी को पढ़ना सीखा, इतना फेमस ये उपन्यास हुआ था। और इसकी जो वो सीरियल आता था ना, उसका गाना तो अभी भी याद है ना, ऊपर अंबर नीचे धरती बीच में है दिल के अफसाने, आता था है ना वीरेंद्र, इसका वो राजकुमार था और वो राजकुमारी वाली मुकेश खन्ना, काफ़ी अच्छे से याद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भले कितने भी छोटेपन में देखी हो, लेकिन उसका गाना बात तक भी आता था, दोबारा भी शायद उसका प्रसारण हुआ था, अच्छे से याद है वो गाना, और वो गाना ही काफ़ी पसंद था मुझे। भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास कौन सा है? सीधा सा है, तमस है। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक जीवन संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान है इसका उत्तर। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। बांधोनाट नाव इष्ठाव उपन्यास के लेखक हैं, बांधोनाट नाव इष्ठाव उपन्यास के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क या निराला, गॉड में खुद कितनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलिए, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है? तो जो नरेश मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है वह है एक पथ बंधु था। स्वजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो स्वजान एक सुजान यह है बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? तो परख है ना, सुनीता परख, ये सब किसके हैं? जैनेन्द्र के, तो परख में है। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांत संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो यह 24 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है। देहाती दुनिया कैसा है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलवाया? तो चित्रलेखा है ना, पाप पुण्य की उस पर आधारित चित्रलेखा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी चित्रलेखा के माध्यम से उनका हिंदी साहित्य में उच्च स्थान है। पांडे विचिन शगुरमा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? तो घासलेटी साहित्य किसको कहा था? चॉकलेट जो इनका उपन्यास है, इसको इन्होंने घासलेटी साहित्य कहा था। किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? निर्मला। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है शायद ये। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जा सकती? तो अमृत राय की नहीं की जा सकती। मनोवैज्ञानिक कथाकार या उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र अज्ञेय इलाचंद्र जोशी सुदर्शन, अमृत राय नहीं है। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है सियाराम शरण गुप्त। गोद और अंतिम आकांक्षा, सियाराम शरण, सियाराम मुझे अपनी गोद में ले लें, यही मेरे और मैं उनके शरण में चला जाऊं, यही मेरे जीवन की गुप्त अंतिम आकांक्षा है। अच्छी ट्रिक है ना। आगे बढ़ते हैं, वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे, गढ़कुंठार। गढ़कुंठार जो है, गढ़कुमार नहीं है ये, इसमें गलत प्रत्यय, गढ़कुंठार है ना, आपने गढ़कुंठार ये नाम सुना था ना, कौन सी मूवी आई थी अभी, वो तानाजी वाली है ना। आगे बढ़ते हैं, अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? मूल मंतव्य पूछा है, अंतर्विरोधों का चित्रण भी हो सकता है वैसे, लेकिन मूल मंतव्य स्वतंत्रता की खोज। जहाज का पंक्षी उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी, ये भी मनोवैज्ञानिक कथाकारी हैं। सती मैया का च्यौरा किस दृष्टिकोण पर लिखा उपन्यास है? मार्क्सवादी। त्रिस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत की थी देवकीनंदन खत्री ने। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? पाप पुण्य पर। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? भावुकता तथा रोमानियत। उसके बाद बहुत सारे प्रेम काव्य लिखे गए और वर्तमान में शायद इतना आकर्षित न करे, लेकिन अपने समय का फेमस था और जब इंसानियत बाकी थी तब संवेदनाएं बाकी थी, उस हिसाब से देखें तो गुनाहों का देवता भावुकता और रोमानियत की कथा है। अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह का प्रसिद्ध उपन्यास है आधा गांव, सिलेबस में है नेट के में, राही मासूम रजा का है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी है।
आधुनिकता बोध का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है, वेद निर्मल वर्मा का यह भी आधुनिक बोध का है, मछली मरी हुई यह भी है, कश्मीर पतन नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? अलका। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। वैशाली की नगर वधु उपन्यास का लेखक है चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री का अन्य जो उपन्यास पूछा जाता है वह है वयम रक्षामः। और रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक है नागार्जुन। भगवती चड़वर्मा के उपन्यास भूले विश्व चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कथन कौन सा सही है? तो वर्तमान जीवन का चित्रकूट कहा गया है भूले विसरे चित्र को। चित्र से चित्रकूट याद कर लीजिए। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है वृंदावन लाल वर्मा को, मृगनयनी जैसे। अनामदास के पोथा का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। झूठा सच के लेखक है यशपाल। बूंद और समुद्र के लेखक हैं अमृतलाल नागर। और अमृतलाल नागर का दूसरा कौन सा प्रसिद्ध है? एक तो बूंद और समुद्र, और दूसरा कौन सा है? मानस का हंस। हंस कहाँ रहता है? समुद्र में बूंद पीता है। तो बस याद, समुद्र में तो नहीं रहता भैया, झील में रह, जो कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया? तो राग दरबारी रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है, काफ़ी फेमस है, यह भी सिलेबस में लगा हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि जो नेट के सिलेबस देखिए और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का सिलेबस देखिए, आप जिस भी राज्य से हैं, जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी यूपी से कर रहे हैं, तो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं, जो उपन्यास कहानियां लगी हुई हैं, उनका प्रतिपाद्य और लेखक दोनों आप पता कर लीजिए, काफ़ी आपको आसानी होगी। छोटी छोटी सी टिप्स ट्रिक्स होती हैं जो अनुभव के माध्यम से आई जाती हैं। तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।